सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कंप्यूटर रिवाइवल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप सी सी प्लस प्लस पाइथन और जावा के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनसे अपडेट हो सके। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लीटकोड 74 का प्रोग्राम देखेंगे, सर्च इन ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में एलिमेंट अगर है या नहीं इसको हमें फाउंड करना है। तो सिंपल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देख रहे हैं, अगर इसमें हम 34 फाउंड करते हैं तो 34 मेरा है, 33 फाउंड करते हैं तो 33 नहीं है, सर्च करते हैं तो नहीं है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, एक प्रोग्राम बनाना होगा जो मैट्रिक्स में एलिमेंट है या नहीं उसको फाउंड करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इजी वे में देखते हैं, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगा। हम उसके बाद फिर उस दूसरा वे में देखेंगे जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम और कम करना देखेंगे, कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें मैट्रिक्स चाहिए, तो एम ए टी एक मैट्रिक्स हम दे देते हैं, इक्वल टू हम कर देते हैं मैट्रिक्स, वैल्यू हम दे देते हैं 1, 3, 5, 7 वैल्यू दे दिए। फिर दूसरे रो का देते हैं 3, 11, 16, 20 फिर उसके बाद का रो का देते हैं 23, 30, 34, 60 सिंपल हो गया। और मैट्रिक्स को प्रिंट भी कर लेते हैं, तो हम फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ एम ए टी और फॉर जे इन रेंज लेन ऑफ एम ए टी 0 यानी फर्स्ट। फर्स्ट कॉलम का जो मेरा लेंथ होगा वो और लेंथ ऑफ मैट्रिक्स का जो मेरा फर्स्ट रो का होगा उसका हम दे दिए। और प्रिंट करेंगे हम, प्रिंट एम ए टी आई जे स्पेस इंड करेंगे, जैसे ही मेरा हो जाएगा एक रो सिंपल। इसको पहले हम रन करके देख लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम बनाएंगे। यहाँ एंड विथ करेंगे हम, एंड विथ स्पेस, अब सही होगा, ये मेरा मैट्रिक्स प्रिंट हो गया, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, सर्च करना है एलिमेंट। तो फिर सेम प्रोसेस में हम आते हैं और आई इन रेंज लेन ऑफ एम ए टी और जे इन रेंज लेन ऑफ एम ए टी 0। कंडीशन लगाएंगे हम, इफ एम ए टी आई जे इक्वल टू सर्च जो हम करेंगे उसको, सर्च एलिमेंट को हम इनपुट करवाएंगे यूजर से, एस इक्वल टू इंट इनपुट इंटर सर्च एलिमेंट्स, उसको हम जो सर्च एलिमेंट होगा वो अगर इक्वल होता है तो देन प्रिंट करो या प्रिंट नहीं करके हम यहाँ फ्लैग वेरिएबल दे सकते हैं या रिटर्न ट्रू करवा सकते हैं। अगर फंक्शन के थ्रू करते हम फ्लैग वेरिएबल देते हैं, एफ इक्वल टू 0 कर देते हैं। अगर फाउंड होता है तो देन एफ इक्वल टू 1 कीजिए आप। लास्ट में कंडीशन लगाएंगे, इफ एफ इक्वल टू 0 देन नॉट फाउंड प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड, एल्स अगर 1 होता है प्रिंट। क्लियर है, तो हम सर्च करेंगे 34 हम देते हैं, तो 34 फाउंड, 34 है इसका। अगर हम पोजीशन अगर फाउंड करना चाहते हैं तो पोजीशन भी प्रिंट होगा, हम उसको अगले प्रोग्राम में अच्छे से देखेंगे, सेम प्रोग्राम में ही देखेंगे हम आगे, जब उसको हम डिटेल से समझेंगे तब।
क्लियर है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं जब मेरा फाउंड हो रहा उस कंडीशन में ही हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट फाउंड एट रो कलम देके भी बता सकते हैं हम, रो इक्वल टू कर देते हैं हम आई, कलम इक्वल टू कर देते हैं हम जी। अब जब हम 34 को फाउंड करेंगे, 34 तो 34 फाउंड किससे हैं, तो कलम दो देख सकते हैं और रो दो में है, जीरो से चूंकि काउंटिंग होता है। अगर हम 33 फाउंड करना चाहते हैं, 33 तो 33 नॉट फाउंड, 33 है ही नहीं इसलिए नॉट फाउंड है। ये हो गया एक डबल हम लूप, नेस्टेड लूप यूज करके, फॉर लूप यूज करके बनाए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको छोटा में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कम करके बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए हम व्हाइल लूप यूज करेंगे और उसका ड्राइडन भी समझेंगे कैसे मेरा काम कर रहा है। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं सिंपल। क्या करेंगे हम, तो वाइल सबसे पहले तो हम बाउंड्री डिफाइन करते हैं, आई इक्वल टू लेन ऑफ, इसको हम जीरो से स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग से जाएगा और एक लास्ट से आएगा, तो जे इक्वल टू हम कर देते हैं लेन ऑफ। क्लियर हो गया, कलम का हो गया। अब क्या करना है हमें, और चूंकि जीरो से काउंटिंग होता है तो इसको हम क्या करेंगे माइनस वन देंगे, चूंकि हम रेंज फंक्शन यूज किए थे इसलिए माइनस वन नहीं दिए थे। अब हम क्या करेंगे, आई लेस देन इक्वल लेस देन हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ मैट्रिक्स एंड जे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू जब तक जीरो नहीं हो तब तक। आई मेरा एक एक करके इंक्रीज होगा और रो नंबर से जब तक नीचे नहीं होता है, मैंने रो नंबर तक से नीचे यानी जीरो से चूंकि काउंटिंग होगा, लास्ट रो तक जब तक पहुंचता है तब तक चलेगा, और जी मेरा क्या होगा स्टार्टिंग कलम तक ही चलेगा। क्लियर है, अब क्या करना है हमें सिंपल कंडीशन लगाते हैं, इफ मैट आई जे इक्वल टू एस, अगर फाउंड होता है तो देन आप प्रिंट करो, प्रिंट एलिमेंट फाउंड इन रो, रो हम दे देते हैं आई कलम, कलम दे दिए जे सिंपल, और एक हम दे देते हैं एफ इक्वल टू वन, ये फ्लैग वेरिएबल दे दिए हम। क्लियर, या आप फंक्शन से बनाते हैं तो देन रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न ट्रू और रिटर्न फॉल्स कर सकते हैं। अब यहाँ एक हम कंडीशन लगाएंगे, मेन व्हाइल लूप का तो हम ऊपर कंडीशन लगाएं, व्हाइल लूप को चलाने के लिए क्या करना होगा, तो कंडीशन लगाएंगे इफ M A T I J greater than, जो सर्च एलिमेंट है उससे अगर बड़ा है मेरा एलिमेंट उस कंडीशन में आप करो J को एक करके माइनस इक्वल टू वन कर दो, else क्या करो आप I प्लस इक्वल टू वन कर दो, मतलब रो को एक करके इंक्रीज कर दो। सिंपल हो गया, अब इसको हम समझेंगे। फर्स्ट टाइम हम सर्च करके देखेंगे, सर्च हम क्या करेंगे, तो सर्च हम करेंगे 34, अगर हम सर्च करते हैं तो 34 फाउंड है, हम 34 नहीं सर्च करेंगे, हम 23 सर्च करेंगे, 23 फाउंड है। अब समझिए इसको पूरा ड्राई रन समझिए कैसे ये वर्क कर रहा है, इसको पहले मैं छोटा कर देता हूँ, आप समझिए यहाँ पे।
फर्स्ट टाइम क्या है, हम दिए हैं एलिमेंट फाउंड होता है तो देन प्रिंट करो और एफ का वन करो। अगर एलिमेंट जो है वो ग्रेटर देन एस यानी सर्च से बड़ा है उस कंडीशन में क्या करना है, ठीक है? तो हम फर्स्ट जो एलिमेंट लगा रहे हैं वो लास्ट कलम का फर्स्ट रो के लास्ट वाला वैल्यू यानी सेवन को लगा रहे हैं। इसको समझिए, सेवन को लगा रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट हम किसको लगा रहे हैं? सेवन को लगा रहे हैं। तो सेवन मेरा क्या है, जो सर्च एलिमेंट है 23 उससे छोटा है। चूंकि छोटा है तो छोटा है उस कंडीशन में हम क्या किए हैं, बड़ा है तो कलम की वैल्यू को माइनस करना है, छोटा है तो रो की वैल्यू को प्लस करना है। यानी हमें क्या करना है, नेक्स्ट रो में आना है। नेक्स्ट रो में आएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा नेक्स्ट रो में। सिंपल सिंपल नेक्स्ट रो में आएंगे तो मेरा 20 सिलेक्ट हो गया। 20 क्या है, सर्च किए हम 23, 20 फिर छोटा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरा रो फिर से प्लस होगा और 60 पे आ जाएगा, ठीक है? 60 जो हम सर्च किए एलिमेंट उससे बड़ा है। चूंकि बड़ा है उस कंडीशन में क्या होगा, मेरा कलम माइनस होगा और 34 पे आएगा, क्लियर है? फिर 34 जो हम सर्च कर रहे हैं एलिमेंट उससे अभी भी बड़ा है, फिर कलम एक माइनस होगा और 30 पे आएगा। 30 अभी भी सर्च में बड़ा है तो जब फिर सर्च करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, 23 पे आएगा। 23 चूंकि मेरा फाउंड है उस कंडीशन में मेरा क्या होगा, जो रो कलम का लोकेशन है वो प्रिंट करेगा और फाउंड दिखाएगा। अगर हम ये नहीं फाउंड करके 3 फाउंड करते, सिंपल हम 3 फाउंड करना चाहते हैं, अगर हम 3 फाउंड करते हैं तो फिर ड्राई रन को हम समझेंगे 3 में क्या होता है। थ्री मेरा फाउंड हो रहा है, क्योंकि फाउंड हो रहा है तो 3 को समझेंगे। फर्स्ट टाइम हम 3 को जब सर्च करें तो फर्स्ट टाइम मेरा 7 आया, क्योंकि लास्ट कलम और फर्स्ट रो का हम सर्च कर रहे हैं। कलम और रो का वैल्यू आप सिंपल यहां देखिए, कलम और रो का वैल्यू हम क्या किए हैं, कलम मेरा रो मेरा 0 है और कलम मेरा लास्ट वाला जो है वही दिए हैं, तो यानी 7 पे आ रहा है। 7 क्या है, जो हम सर्च कर रहे हैं एलिमेंट उससे बड़ा है, यानी हम कलम को घटाएंगे, यानी हाँ मेरा क्या हो जाएगा, जैसे ही कलम को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा 5 आ जाएगा। 5 जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं उससे भी बड़ा है, क्योंकि तो फिर मेरा रो कलम घटेगा और 3 आएगा, एलिमेंट फाउंड हो गया। कितना टाइम लगा यहाँ सर्च करने में, 3 टाइम। वही अगर 23 को सर्च कर रहे थे तो 23 मेरा कितना टाइम लगा था, पहले 7 आया था, फिर 20 आया था, फिर 60 आया था, फिर आपका 34, फिर 30 और 23 आया। अगर वही हम पूरा लूपिंग के थ्रू डबल लूप मानी नेस्टेड लूप में सर्च करते तो उस कंडीशन में क्या होता, 4 टाइम 8 टाइम और ये 9 टाइम में आता, और यहाँ कितना टाइम आया, 3 टाइम और 3 6 7 टाइम में आ गया। यानी जो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे घट रहा है। तो इस तरह हम आसानी से क्या है, प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं, जो सर्च इन ए मैट्रिक्स का वो सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम सर्च करके देखते हैं, जो मेरा नहीं है तो नहीं है एलिमेंट हम 22 अगर देते हैं तो 22 नॉट फाउंड। इस तरह हम आसानी से जो प्रोग्राम को हम सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को आप ट्राई रन कीजिए, तभी आप आसानी से प्रोग्राम को समझिएगा, प्रोग्राम मेरा वर्क कैसे कर रहा है। थैंक फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर वीडियो।